हेलो एवरीवन, लॉकडाउन चल रहा है और हमें बहुत तेज़ क्रेविंग हो रही थी कहीं से शीर चाय और तेलबोर मिल जाए, लेकिन इस वक्त तेलबोर कहाँ मिलेगा, इसलिए हमने सोचा खुद ही बना लेते हैं। अब नेट पे रेसिपीज तो थी, लेकिन जब ट्राई करी तो वो बात नहीं बनी। तो ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक्सपीरियंस के साथ है और डिटेल रेसिपी जो परफेक्ट तेलबोर आपको बना के देंगे। सबसे पहले नोट कर लेते हैं तेलबोर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। 2 कप मैदा, 1 कप गुनगुना दूध, 1 टीस्पून ईस्ट, 1/2 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून नमक, 1 से 2 चम्मच सेसमे सीड्स या तिल और 1 से 2 चम्मच तेल। सबसे पहले हमें ईस्ट को एक्टिवेट करना है। बहुत ही सिंपल मेथड है। 1/3 वार्म मिल्क लेना है, उसमें ईस्ट, सॉल्ट और शुगर को डाल के मिक्स करना है। इस मिक्सचर को 5 मिनट के लिए अलग से रख दीजिए। इसके बाद हमें आटा गूंदना है। आटा गूंदने के लिए सबसे पहले हम मैदा में ये ईस्ट का मिक्सचर मिक्स करेंगे और फिर धीरे धीरे मिल्क ऐड करते हुए इसको गूंदेंगे। थोड़ा सा स्टिकी होता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्टिकीनेस चली जाएगी और आपको बिल्कुल ही सॉफ्ट स्मूथ डो मिल जाएगा। जब आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो थोड़ा सा तेल हाथ में लीजिए और आटे पे लगाकर उसको फिर से 2 से 3 मिनट तक गूंथिए। अब हमें इस आटे को फर्मेंटेशन के लिए रखना है। इसके लिए एक परात या कोई भी बर्तन ले लीजिए। ध्यान रखिए उसकी कैपेसिटी आपके आटे के साइज से 3 से 4 गुना होनी चाहिए, क्योंकि फर्मेंटेशन के बाद ये बहुत ज़्यादा फूलेगा। तो ऑयल लगाने के बाद आप इस आटे को इस तरीके से फोल्ड करके इस पर क्लिंग फॉइल लगा के रख दीजिए। इस आटे को फर्मेंटेशन के लिए किसी भी वार्म जगह पे आप 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए सनलाइट में नहीं छोड़ना है, वार्म जगह पे छोड़ना है। आई प्रेफर कीपिंग इट इन द माइक्रोवेव, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड रहता है। 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा आटा बहुत ही अच्छी तरीके से फर्मेंट हो चुका है। अब हम इस आटे को हल्के हाथ से गूंथ लेंगे और इसको 8 सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। मेरे पास पिज्जा कटर है तो मैं इसका यूज कर रही हूँ। आप नॉर्मल चाकू या फिर हाथ से भी इसके गोले बना सकते हैं। माइक्रोवेव के साथ एक बेकिंग ट्रे आती है, आप उसका इस्तेमाल करें। उसके ऊपर ऑयल लगा के अच्छी तरह ग्रीस कर लीजिए। आप चाहें तो इसको बोरोसिल में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चिपकने का डर रहता है। अब जो आपने सेक्शंस बनाए थे, एक एक करके उनको ले लीजिए, हल्के हाथों से रोल करके उसमें सेंटर में एक होल कर दीजिए। आपको डोनट शेप बनाना है। जब तेलबर का शेप बन जाए तो आप इसके ऊपर माइक्रोवेव की एक रैक रखें और गीले कपड़े से ढक दें। इस तरह आपको इसको 20 मिनट तक रखना है।
20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि तेल और फिर से फूल गए हैं। अब हमें इसके ऊपर तिल या सेसमे सीड्स लगाने हैं। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा मैदा एक चम्मच और थोड़ा सा मिल्क मिला के एक पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को ब्रश या किसी स्पून की हेल्प से हम इन तेलवर के ऊपर लगा देंगे और सेसमे सीड्स को स्प्रिंकल करेंगे। सेसमे सीड्स स्प्रिंकल करने के बाद इसको हल्के हाथों से टैप कर लीजिए ताकि वो इसमें चिपक जाए। फर्मेंटेशन की वजह से जो हमने तेलवर के बीच में होल बनाया होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए इस वक्त इसको थोड़ा सा और फैला लें। हमें तेलवर को और 30 मिनट तक फर्मेंटेशन के लिए रखना है। उसी तरीके से आप रैक रखिए और गीला कपड़ा लगा कर इसको वार्म जगह पे फर्मेंटेशन के लिए रख दीजिए। जब 20 मिनट हो जाएं, तो आप माइक्रोवेव को 180 डिग्रीज पे प्रीहीट करने के लिए रख दीजिए। जब तक माइक्रोवेव प्रीहीट होगा तब तक आपका फर्मेंटेशन पूरा हो जाएगा। 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम हल्के हाथ से या फिर ऑयल ब्रश की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। ओवन प्रीहीट हो चुका है, तेलवर भी तैयार है। आप तेलवर को एक रैक के ऊपर आप ओवन में रख दीजिए और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर उसको रैक के नीचे रखिए। 15 मिनट हो चुके हैं, तेलवर तैयार है। आप इसको शीत चाय के साथ या फिर अपनी शाम की चाय के साथ इंजॉय कीजिए। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मसाला दानी। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।